आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आप सबने ये सॉन्ग तो जरूर सुना होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। आइए देखते हैं अंडा करी बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमने लिए हैं 4 एग्स, 1 आलू, कुछ कैशियोज जो हमने पानी में भिगा के रखे थे, तेल, ये है ग्रेटेड अदरक, यह है कोकोनट, ड्राई कोकोनट जिसे हमने पैन पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, यह है लहसुन, एक रोस्टेड अनियन और कुछ ग्रीन चिलीज। इन मसालों को हमें मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के फाइन पेस्ट में पीस लेना है। अब हम देखते हैं सूखे मसाले। यह है सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कुछ होल गरम मसाला जिसमें है एक तेज पत्ता, काली मिर्च, 2 लवंग और 1 दालचीनी का पीस। देखिए हमने मिक्सी में डाल लिया है अदरक, लहसुन, 1 रोस्टेड अनियन, थोड़ा सा रोस्टेड कोकोनट और ग्रीन चिलीज। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। ये हमारी फाइन पेस्ट तैयार हो गई है। अब हम बनाते हैं अंडा करी। हमने गैस चालू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेते हैं। ये तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे होल गरम मसाला, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और 2 लवंग। हमारा पीसा हुआ मसाला उसको अच्छे से हम भून लेंगे। आप देख सकते हैं अब ये तेल छूट रहा है मसाले से, अच्छे से भून चुका है ये मसाला। अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे। हम डालेंगे हल्दी, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। हमने सारे ड्राई मसाले डाल दिए हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे मसाले को। हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मैंने इसमें रेड चिली नहीं डाली है क्योंकि मुझे इसका कलर ग्रीन चाहिए। आप चाहें तो आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रीन चिली डाली है इसमें, तो इसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश रहेगा, येलोइश ग्रीन ऐसे रहेगा। आप इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ा पका लीजिए, अच्छे से रोस्ट कर लीजिए मसालों को ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है ऑलरेडी। ये जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें से तेल निकलना शुरू होगा। इसे अच्छे से रोस्ट करना बहुत जरूरी है। आप स्टर करते रहिए ताकि वो जले ना नीचे। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है ऑलरेडी मसाले में। अब हम डालेंगे इसमें आलू, जाएगा पानी। मैंने पानी डाल दिया है। हमें ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए और गाढ़ा भी नहीं चाहिए, एक मीडियम कंसिस्टेंसी आने तक आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए इसमें। और अब जाएगा इसमें थोड़ा सॉल्ट।
अब हमें आलू को पका लेना है। जब आलू पक जाएंगे तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें हम कैश्यूज भी डाल लेते हैं। हमने कैश्यूज, काजू और आलू ऐड कर दिए हैं इसमें और अब हम इन्हें पका लेंगे अच्छे से। ये आलू हमारे पक चुके हैं, अब हम इन आलू को निकाल लेंगे। क्योंकि हमें अब इसमें एग्स डालने हैं तो वो कहीं टूट ना जाए आलू की वजह से, इसलिए मैं आलू निकाल रही हूं। आप चाहे तो थोड़ा साइड में करके आप उसमें धीरे से एग्स डाल सकते हो। मैंने गैस बंद कर दी है थोड़ी देर के लिए। अब हम एक एक करके इसमें एग्स डाल देंगे धीरे से। कि मैंने चार एग्स डाल दिए हैं, आप इसे अलग अलग करके डालिए थोड़ा। और अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ, इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। ये देखिए एग्स अब पक चुके हैं, नियरली डन। अब इसमें हम जो हमने आलू निकाल के रखे थे वो हम डाल देंगे। हमने आलू डाल दिए हैं इसमें, थोड़ी देर के लिए इसे पका लेते हैं और फिर गैस बंद कर देंगे। रेडी हो चुकी है ये देखिए। एग्स भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, सी बिल्कुल टूटे नहीं है। मैं अब सर्व कर रही हूं, ये देखिए होल है एग्स। और ये हमारी करी की कंसिस्टेंसी भी देखिए, हमारे पोटैटोज भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। सो द एग्लिशियस अंडा करी इज रेडी। और आप देख रहे हैं मैंने इसे सर्व कर दिया है और साथ में मैंने घी चावल भी बना दिया है। तो आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी ये रेसिपी। थैंक यू सो मच।